हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10। हम एक बार इसको रिपीट करेंगे कि अभी तक हमने चैप्टर 10 में क्या क्या पढ़ा। ओके, अभी हमने इसमें टीथ के बारे में पढ़ा था। आवर टीथ, हमारे टीथ कौन कौन से टीथ होते हैं? मिल्की टीथ, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, है ना। ये मिल्क वाले टीथ जो हमारे 6 एज तक रहते हैं, उसके बाद 6 to 10 हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। ओके, उससे पहले जब हमारा बर्थ होता है उसमें हमारे टीथ नहीं होता है। टीथ से क्या होता है, हमारे फेस में और सुंदरता आती है ना। फेस के हमारे जो जॉ लाइन है वो बन जाती है, पूरा हमारा चेहरा राउंड शेप में आ जाता है। अगर आपके टीथ नहीं होगा फेस में तो क्या होगा, आपके जो जेक्स हैं वो अंदर चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में बुजुर्ग रहते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, उनके टीथ काफ़ी एज होने के बाद निकल जाते हैं, तो उनके क्या होता है, चिप्स जो है वो अंदर चले जाते हैं और उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आती है ना। तो हमारे टीथ क्या, हमारे फेस को सुंदरता भी बढ़ाते हैं। हमारे टीथ एंड आर द चिविंग। और हम टीथ अगर नहीं होते तो हम खाना कैसे निकल सकते थे। हम कोई भी खाना होता है उसको चिप करके खाते हैं ना, चबा करके खाते हैं, तब हम उसको पूरा एक लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर हम उसको निकल सकते हैं। ओके, तो हमारे जो टीथ है वो हमारे चेहरे को शेप देते हैं, फूड, और हमें खाना चबा करके अंदर निकलना हमारे टीथ की सहायता से होता है। ओके, इसी तरह से जो हमारे मिल्की टीथ है वो विद इन 2 साल से लेके और 6 साल के अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद अपना झड़ते हैं, जो अप्रॉक्स यानी 10 to 12 years तक परमानेंट टीथ आ जाते हैं हमारे। ओके, अब आप देखिए काइंड्स ऑफ टीथ, जो हमारे अलग काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं, जो अलग अलग टाइप के कटिंग के टीथ अलग होते हैं, जिससे आप लोग कोई भी, जैसे आप कोई स्नैक्स वगैरह खाते हैं तो उसको आप अपने उससे कटिंग कर सकते हैं ना। हमारे जो स्टार्टिंग के दांत होते हैं, और टीयरिंग, आप टीयरिंग वाले टीथ जो होते हैं जो कैंची का काम करते हैं, जैसे यानी फाड़ने का काम करते हैं, वो चीज़ हम खींच के निकाल सकते हैं। पॉइंटेड, वो हमारी जो साइड के दोनों यानी 4 teeth ऐसे होते हैं जो हमारे टीयरिंग का काम करते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे की तरफ। ओके, ग्राइंडिंग टीथ, जो हमारे लास्ट में जो उसके टीथ के जो सबसे लास्ट में होते हैं वो हमारा ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ओके, जो हाँ यानी ग्राइंडिंग यानी कोई भी चीज़ हम जैसे चपाती खा रहे हैं, भी खा रहे हैं, तो उसको अच्छे से मैश करके उसको अच्छे से पीस करके पूरा एक लिक्विड फॉर्म बन जाता है, उसके बाद हम उसको खाते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं अवर टंग, कि हमारे टंग का क्या रोल है। टंग अगर हाँ सपोज करिए आप, अगर आप टंग नहीं होती तो आपका क्या क्या होता है, ओनली टीथ थोड़ी होती। और अगर हम टंग को अपनी उंगली से अगर पकड़ लेते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, टंग हमारे बोलने में भी हेल्प करती है। ओके, ये देखिए आप टंग के कितनी अलग अलग आपको पॉइंट दिखाए गए हैं टंग में, कि हमें जो टेस्ट का बताता है सॉरी हमें जो टेस्ट बताती है टंग, बिटर का कि कैसा है, वहाँ पे खट्टा है, सॉर है, सॉल्टी है या स्वीट है, तो ये सारे हमारे टंग में एक तरह के पॉइंट्स बने होते हैं। कभी आप इसका यूट्यूब में किसी में देखिए, आप पूरा इसका ऑपरेट करके दिखाएंगे, आपको इस पिक्चर में भी दिखाया है पूरा, कि हमारे जो टिप्स बने हुए हैं इससे हमें स्वाद का पता लगता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अवर टंग, हमारी टंग, कि हमारी टंग हमें क्या हेल्प करती है। अवर टंग इज अ ग्लसी ऑर्गन, ये एक मतलब ओनली चमड़ी की बनी हुई है, ओनली इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होती। ओके, तो ये हमारा एक ऑर्गन है, अपने 5 organs होते हैं आपको पता होगा ना, तो ये टंग भी इसमें एक तरह का ऑर्गन है जो कि हमें टेस्ट का फील करवाता है। विच हेल्प अस टू मूव द फूड इन द माउथ एंड स्वेलो इट, हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं उसको हम लोग टेस्ट लेकर के खाते हैं ना, हम बिना विदाउट टेस्ट को हम उसको पसंद नहीं करेंगे, कि इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो यानी हमारी टंग जो है उसको टेस्ट करके बताती है कि कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। अगर आपको बहुत ही बेटर लगता है तो आप इसको दोबारा खाना पसंद करते हो, है ना। जैसे आप टॉफी वगैरह खाते हो, अच्छी ब्रांडेड टॉफी खाते हो, डेयरी मिल्क वगैरह खाते हो, 5 stars वगैरह है, कैपरेज वगैरह जो भी है, तो आप उसका टेस्ट लेकर के आपको दोबारा खाना पसंद करते हो, है ना। तो आप देखिए आगे, अगर यू हैज टू मूव द फूड ऑफ योर माउथ एंड स्वेलो इट, आप उसको फिर स्वाद लेकर के फिर धीरे धीरे उसको चबा के खाना पसंद करते हो। इट ऑल्सो हैज बम्पी टेस्ट ऑफ अ बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस, हमारी आप कभी मिरर पे अपनी जीभ को चेक करिएगा कि आपको अपने जो बर्ड्स बने हुए हैं, जो हमारे छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं, वो आपको अलग से मिरर में दिखाई देंगे, है ना, अलग से उठाव लिए हुए, उभरे हुए से। दीज बर्ड्स हेल्प अस टू टेस्ट द फूड वी ईट, वो हमें अपने टेस्ट के बारे में बताएंगे कि हमने क्या खाया उसका टेस्ट कैसा है। देयर आर द 4 types ऑफ टेस्ट बर्ड्स located on the different parts of our tongue. They help us in a recognize
whether the food is sweet, salty, sour and bitter. तो अब आप देखिए, our tongue also help us to speak and clearly. अब आप देखिए कि इस पिक्चर में भी क्लियरली दिखाया गया है कि हमें कैसा कड़वा बिटर लग रहा है, सॉर लग रहा है या सॉल्टी लग रहा है या स्वीट. तो यहाँ पे एकदम बारी बारी आप अच्छे से इसको अपनी पिक्चर में, बुक में, पिक्चर में देखिएगा कि कितना मतलब बारीकी से दिखाया गया है कि हमारे जो पोर्स बने हुए हैं, जो बड्स बने हुए हैं, वो कैसे बारी बारी एक छोटी छोटी सी से छेद से हो रखे हैं. उससे हमें टेस्ट का फौरन हमारे दिमाग में अलर्ट होता है कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है. तो हमारी जीभ की सहायता से होता है वो. और हम लोग जो बोलते हैं, स्पीक होते हैं, हमारे जो बोलने की वॉइस वगैरह है वो उसको क्लियर करता है. टंग हमारी उसको हेल्प करता है. अगर हमारे आप सपोज करिए टंग को आप अपनी उंगली से पकड़ लीजिए, फिर आप बोल के दिखाइए, आप नहीं बोल पाएंगे. यानी टंग हमारे हर वर्ड्स को क्लियर करता है. ओके, केयर ऑफ टीथ एंड टंग. अब अपने टीथ की और टंग की कैसे हमें केयर करना चाहिए. ओके, अभी तक आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा टीथ की केयर करना, टीथ कैसे साफ करना चाहिए, टीथ में हमें स्मेल आती है तो हमें क्या करना चाहिए. ओके, तो अब हमें टंग की भी कैसे केयर करनी चाहिए ये हम इसमें रीड करते हैं. देखिए आप इधर देखिए, टू हैव अ स्ट्रांग एंड हेल्दी टीथ वी शुड टेक अ गुड केयर ऑफ देम. हमें अपनी अगर जीभ को साफ रखना है, अपने टेस्ट को लेना है, तो हमें जीभ को भी टीथ के साथ में साफ करना जरूरी है. वी शुड क्लीन देम टू ब्रशिंग देम टीज अ डेली. एक तो आप जैसे ब्रश वगैरह करते हैं तो नेचुरली अपना जीभ अपना साफ हो जाती है उससे. अगर आप ब्रश ही नहीं करेंगे तो जीभ पे भी हम जो भी चीज़ खा रहे हैं वो चिपकी हुई रहती है और हमें धीरे धीरे वो गंदा टेस्ट फील करवाएगी. ओके, वी शुड नॉट यूज द हार्ड टूथब्रश एज इट मैन इंजर द गम्स एंड डैमेज द इनेमर ऑफ अ टीथ. हम कभी भी ज़्यादा हार्ड जो हमारे ब्रशेज होते हैं उसको ज़्यादा हार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए. जैसे आप हमेशा सॉफ्ट ब्रश से आप अपनी टीथ को ब्रश करिए, इना इंजर आपको जो आपके गम से जो आपके मसूड़े वगैरह हैं वो, वरना अगर आप हार्ड ब्रश से ब्रश करेंगे तो आपके मसूड़े ख़राब हो जाएंगे और उसमें ब्लड आने लगेगा, वो डैमेज हो सकता है. ओके, उनका इनेमल है वो हट सकता है, इनेमल है जिससे दांत आपके चिपके हुए हैं. अगर आप ज़्यादा उसको रगड़ रगड़ के सोचेंगे कि आपके दांत को बहुत अच्छा सा फेस दिखाऊंगा, बट वो आपके लिए हार्मफुल है, वो आपका इनेमल हटा देगा और आपके टीथ हिलने लगेंगे. इसलिए हमें ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली एकदम सॉफ्ट ब्रश से ब्रशेज करना चाहिए. ओके, वी शुड नेवर यूज अ एस और ए कोल्ड डस्ट टू क्लीन द टीथ. हमें कभी भी, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा अपने गाँव में, आपकी नानी दादी वगैरह जो है वो आज भी राख से, मिट्टी से अपने दांत साफ करते हैं. ये बहुत रॉन्ग चीज़ है. इससे क्या होगा, हमारे दांत खराब हो जाएंगे, हमारे दांतों की शाइनिंग खत्म हो जाएगी. इसलिए हमें कभी भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको कोल को और डस्ट को, और इससे कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए. इससे हमारे मुँह में और ज़्यादा जंग्स हो सकते हैं, ना कि हमारे दांत साफ होंगे. इससे हमारे दांत खुरदरे हो जाएंगे, हमारी चमक खट जाएगी दांतों की. ओके, दिस कैन बी डैमेज द टीथ एज वेल एज ए गम्स. इससे हमारे जो मसूड़े हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं और हमारे टीथ है वो भी डैमेज हो जाएगा. जितना उसको रगड़ोगे मिट्टी से, राख से, तो क्या हुआ, उसकी पॉलिश हट जाएगी और हमारे मसूड़े भी काले गंदे गंदे हो जाएंगे, उसके ऊपर से ब्लड आने निकलने लग जाएगा. इसलिए हमें कभी भी कोयले से या राख से या मिट्टी से दांत को साफ नहीं करना चाहिए. ओके, द टंग गेट्स कवर्ड विद द बैक्टीरिया विद द ग्रोथ इन द माउथ. तो क्या होता है, टंग जो है हमारे, हम कुछ भी खाते करते हैं तो उससे हमारे जो बैक्टीरिया है वो हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, विच ग्रोज इन द माउथ, और माउथ में हमारे सरान सी पैदा होने लग जाती है, एक तरह की स्मेल से आने लग जाती है. तो वी शुड क्लीन द जेंटली एवरी मॉर्निंग विद द टंग क्लीनर. तो ऐसे एक, जैसे आप ब्रश करते हैं ऐसे ही हमारे एक प्लास्टिक की रॉड आती है, उसको हम टंग क्लीनर कहते हैं. अगर आपको लगता है आपकी जीभ गंदी हो रही है, आपको टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, मुँह खट्टा खट्टा हो रहा है या स्मेल आ रही है, तो आप उससे टंग क्लीनर से भी आप अपने वॉश मशीन के अंदर जीभ को बाहर निकालिए और टंग क्लीनर से उसको थोड़ा साफ करिए तो इजीली साफ हो जाती है. फिर आप क्लीन वाटर से उसको साफ कर लीजिए, तो उससे क्या हुआ, आपकी जीभ में गंदगी नहीं चिपकेगी और आपके मुँह से स्मेल भी नहीं आएगी. ओके, द टंग गेट कवर्ड विद बैक्टीरिया एंड विद द ग्रोज ऑफ माउथ विद द सूप क्लीन टू जेंटली एवरी मॉर्निंग. हमें सुबह हमेशा टीथ के साथ में अपने टंग को भी क्लीन करना चाहिए अपने टंग क्लीनर से. ये भी मार्केट में मिलता है, आप कभी पता करिए, आपके पेरेंट्स वगैरह भी करते होंगे टंग क्लीनर से, आप उनसे सीखिए कि कैसे करना है. तो आप डेली ब्रश के साथ में टंग क्लीनर भी करिएगा आप लोग. ओके, वी शुड ड्रेन आवर माउथ विद वाटर आफ्टर ईटिंग एनीथिंग टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स विच मैनी कॉज द टूथ डिके.
The leftover food particle causes secretion of the an acid which damages the animal. अब आप देखिए कि हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं तो उसको अपने माउथ को रेंस करना चाहिए. अगर हम कुल्ला नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो जंग जीभ में और टीथ में चिपके हुए रहेंगे. तो इसलिए हमें क्लीन वाटर से हमें आफ्टर ईटिंग एंड बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग हमें उसको रिमूव करता रहना चाहिए. अपने को साफ वाटर से इसको क्लीन अप करते रहना चाहिए ताकि इसके जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो कुल्ला करके बाहर निकल जाएँ और आपको हर वक्त ब्रश नहीं करना पड़े. अदरवाइज़ क्या होगा कि आप कुछ भी खाएंगे जब आपके दांत खराब होने लगेगी तो आप कुछ भी खाएंगे तो आपको हर दो मिनट बाद ब्रश करना पड़ेगा. इसलिए आप ऐसे हैबिट डालिए कि आप जब भी कुछ खाएं तो पहले उसके बाद खाने के बाद और पहले उसको जरूर कुल्ला करिए. आगे देखिए पार्टिकल यानी वरना वो स्नान पैदा कर देगी आपके दांतों के अंदर द लेफ्ट ऑफ द फूड, क्योंकि जो बचा हुआ जो पार्टिकल्स है फूड का वो कॉजेज ऑफ सेक्रेशन द एसिड और डैमेज द एनिमल और आपके मसलों में एक तरह के इन्फेक्शन कर देंगे और सड़ान पैदा होने लग जाएगी. चाहे आप कितना भी ब्रश करेंगे तब भी आपके मुँह से स्मेल आएगी. इसलिए आप हमेशा कुछ भी खाने पीने से पहले आप और बाद में उसको रेंस करिए, क्लीन वाटर से एक कुल्ला करिए आप, तो आपकी जो मुँह में जो गंद फंसे हुए जो टीथ वगैरह पे लगे हुए वो सारे आपके बाहर आ जाएंगे और आपकी जो एनिमल वगैरह है वो डैमेज नहीं हो पाएगा. ओके Eat a healthy food such as radish, carrot, cabbage and citrus food. Okay, अब हमें देखिए हमें कुछ जो फूड हैं जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें रॉ खानी चाहिए. उससे हमारे दांत हमारे मजबूत होंगे, है ना. कच्चा खाने से हमें विटामिन मिलेंगे प्लस हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती है एक तरह से. ओके तो ईट हेल्दी फूड सच रेडिश, जिससे रेडिश से अब सर्दियाँ आने वाली हैं, विंटर में रेडिश आती है, कैरेट आता है, तो आप उसको जब भी धूप हो धूप में बैठ के आप इजीली उसको वॉश करिए और उसको आप उसको रॉ में ही खा सकते हो. आप उसको कच्चा ही धूप में बैठ के आराम से खाइए उसको, तो उससे आपके दांतों की एक्सरसाइज होगी. ओके कैबेज एंड सिट्रस फूड, और जो कैबेज है वो भी आप खा सकते हो ऐसे, और सिट्रस फूड जो भी खट्टा फल वगैरह है उसको भी खाइए. उससे हमें कैल्शियम मिलता है खट्टे फूल से और हमारे दांतों की सेंसिटिविटी खत्म होती है. अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स चॉकलेट्स एंड ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमें हमेशा ये चीज़ें अवॉइड करना चाहिए कि आपने देखा होगा बच्चे सारे टाइम क्या करते हैं कि मोस्टली टाइम पे क्या अवॉइड ईटिंग स्वीट, ज़्यादातर चॉकलेट्स एनीथिंग उनके पॉकेट में आपको जब भी देखोगे आपको चॉकलेट्स नज़र आएंगी, या फिर स्वीट खाना बहुत पसंद करते हैं, मीठा कुछ भी हो तो वो फौरन खाना स्टार्ट कर देते हैं, और ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह और कोल्ड. मैंने कई बच्चों को देखा घर पे फ्रीज में अपने पेरेंट्स से कहते हैं कोल्ड ड्रिंक जरूर खूब पीते हैं. उससे क्या होगा कि कोल्ड ड्रिंक से आपके टीथ वगैरह खराब हो जाएंगे, स्वीट से मीठे से भी बहुत जल्दी आपके टीथ में डैमेज हो सकते हैं और उसमें सड़ान पैदा हो सकती है. इसलिए हमें इनको अवॉइड करना चाहिए. ड्रिंकिंग द ड्रिंक एंड मेक द कॉजेज ऑफ द कैविटी इन द टीथ, इससे हमारे दांतों में सड़ान पैदा हो जाएगी, कैविटी हो जाएगी, छेद हो जाएंगे, उसके अंदर जंग हो जाएंगे. इसलिए हमें ये चीज़ें अवॉइड करना चाहिए. ओके डू नॉट ओपन द बॉटल्स ऑन ए क्रैक हार्ड नट्स लाइक अ वॉलनट विद अ डिप, हमें कभी भी अपने दांतों से खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. जैसे कई बॉटल्स की ढक्कन वगैरह होता है आप सीधा मुंह के अंदर लेंगे और उसको कोशिश करते खोल लेंगे, उससे क्या होगा आपके दांत डैमेज हो सकते हैं. डू नॉट ओपन द बॉटल्स ऑन ए क्रैक हार्ड नट्स, या फिर आप कोई बादाम वगैरह है या फ्रूट वगैरह है हार्ड है तो आप उसको तोड़ने के बजाय आप अपने मुँह से तोड़ना पसंद करते हो, जबकि ये गलत है. आपके इससे क्या है दांत डैमेज हो सकते हैं, टीथ डैमेज हो सकते हैं. इसलिए हमें कभी भी कोई भी हार्ड चीज़ें उसको ओपन करने के लिए अपनी टीथों का उपयोग नहीं करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स आज आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, दोनों चैप्टर आज जो हैं पढ़े आपके फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, इसको रीड करिएगा. कल इसका थर्ड पार्ट मैं आपको रीड करवाऊँगी. ओके बाय. ओके थैंक यू.